सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय टॉप चैनल मोबाइल एल पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 एल प्रो के फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाओगे। अपने पूरे डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो गाइस, कहीं पे भी पूरे डिस्प्ले पे लगा सकते हो। इसके लिए यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करना रहेगा, यहाँ पे हम आपको परफेक्ट जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके आपको जो भी फिंगर लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, फेस लॉक कुछ भी रखे हो रिमूव कर लेना। कोई भी पासवर्ड नहीं मांगता तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। इसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी बता देता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करने का टच लॉक स्क्रीन। जैसे सर टच लॉक स्क्रीन सर्च करोगे एक तीसरा वाला एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड होने के बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ओपन करना। जब ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, नीचे की साइड पर देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जब इस पर क्लिक करेगा वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देने का। और यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है यहाँ पे दे दीजिए। इसके बाद यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर को चूज करना पड़ेगा गाइस। हम आपको वॉलपेपर लगाने की बात नहीं कर रहे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए वॉलपेपर का चूज करना पड़ता है। इसके बाद जौन से स्थान पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो उस स्थान पर चार बार टिप करना पड़ेगा, चार बार क्लिक करना पड़ेगा तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग पाएगा। जौन सा स्थान पे आपको लगाना है उस स्थान पे चार बार टिक कर दीजिएगा इस, क्लिक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा इस, फिर नेक्स्ट करने पर उसी स्थान पे फिर चार बार क्लिक कीजिए। चार बार क्लिक करने पर फिर नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पिन कोड बनाने का आएगा। यहाँ कोई भी एक पिन कोड चार अंक का बना लीजिए, फिर कन्फर्म कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी सिक्योरिटी कर कीजिए। इसके बाद यहाँ साइड पे गाइस यहाँ पे कुछ भी नाम वाम सेट कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम डिस्प्ले लिख के आपको दिखा देंगे। इसके बाद गाइस यहाँ नीचे की साइड पे देख सकते हैं, क्लिक कर देना या इसके बाद आ जाएगा ये थीम के आधार पे वॉलपेपर आपको देखने मिलेगा। ढेर सारा वॉलपेपर देखने मिल जाता है यहाँ पे, कोई भी वॉलपेपर आपको चूज करना पड़ेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए। इसके बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, बैक आ जाना अपने होम स्क्रीन पर। यहाँ से हम करेंगे अपने फ़ोन को लॉक, फिन करेंगे गाइस यहाँ ओपन। देख सकते स्लाइट वाला लगाएं, इसके लिए मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। फ़ोन को लॉक फिन किया ओपन, या नीचे से हम स्लाइट वाला लगाएं, नीचे से हम स्लाइट करेंगे ऊपर की तरफ। हाँ देख सकते आ चुका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग के। अगर किसी भी स्थान पर और टिपेंगे गाइस उस स्थान पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं खुलेगा, खाली ही हिल रहा है गाइस। जो स्थान पे मैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टिप के लगाएं उसी स्थान पे आपको चार बार दो बार क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर सेटिंग से कोई भी इलेक्ट्रिक जानकारी चाहिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से कमेंट करिए। तब तक